यार क्या हो रहा है इंडियन मार्केट में, ये बाइक अभी अभी लॉन्च हुई है और एक ऐसी सी कंपनी से जिसका नाम भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, वो है की वे। और ये जो बाइक है ना, ये है 1000cc की वी ट्विन मोटरसाइकिल है। मतलब ये इधर तो मतलब मैं कहता हूँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़े महंगे होते हैं फास्टेस्ट बाइक। जितना फास्ट क्योंकि बाइक होता है उतना ही महंगा होता है ये। हाँ ये इंडिया की है, मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग नाम पर 1000cc है। कितने की होगी? 1000cc मेरे ख्याल सिविक होती है गाड़ी। नहीं वो स्विक नहीं होती, वो होती है वैगनर होती है पाकिस्तान में। इतना चौड़ा टायर, अगर टायर को यहाँ से देखा जाए तो 260mm का ये टायर है, काफ़ी चौड़ा है। मोबाइल पकड़ो, 8 लाख के मोबाइल अपने हाथ में पकड़ो, ठीक है। ये पर्स है इसमें 50,000 रुपये, ये भी हाथ में पकड़ो, मुझे ये बाइक ला के दो। ये क्या एडवांस है? ये बाइक ला के दो। ये बताएं पाकिस्तान के अंदर अपनी ऐसी बाइक क्यों नहीं आ रही, अपनी हम क्यों नहीं बना रहे? यार अपनी बाइक तो हमने आज तक साइकिल भी चलाई है ना, वो भी चाइना की है, ठीक है ना, तो बाइक का हम कुछ नहीं कह सकते। सर आप चाइना का पुराना मॉडल? सर आप चाइना। हाँ ये चाहिए आपको भी? पर मुझे बाइक सिखाने वाला कोई नहीं है ना। उफ, जब बाइक आएगी तो खुद ब खुद सीख जाओगी। हाँ ये भी, पर ये बहुत ही कमाल है, मतलब बंदा इसके बैठे ना, पीछे आगे मेरा बंदा और पीछे मैं हूँ, वो ओफ अल्लाह कमाल की फीलिंग। ये अपने ब्रांड पे ज्यादा है, मुझे इंडियंस की सबसे ज्यादा ये बात अच्छी लगती है, अगर अपने ब्रांड में वो चीज हो जो मतलब बाहर के ब्रांड में मतलब लोग। और रॉयल एनफील्ड की तो बात ही कुछ और। अमेजिंग है यार, फैंटास्टिक। ओ यार ये कूल है यार, कसम से ये है वो बाइक है यार। कोई यहाँ पे तो हो नहीं सकता, मुझे लगता कोई फिर बाहर का आउट ऑफ कंट्री होगा, कोई इंडिया वगैरह कोई इस तरह की कंट्री होगी जहाँ। इंडिया में भी आई थिंक इतनी होगी, कोई 85 लाख। 85 लाख? चले मैं बताने जा रहा हूँ, इंडिया ने जस्ट अपनी आवाम के लिए 5 लाख रुपए की लॉन्च की। क्या? हाँ 5 लाख रुपए। 1000cc बाइक 5 लाख रुपए की? हाँ हाँ। तुम ना मेरे भाई बहन ले लो, मुझे ये बाइक ला दो जाओ। 4 लाख रुपए की तुम्हारी बाइक, उनका रुपया भी तो बड़ा है। हाँ जी हाँ जी, ये मेरी फेवरेट बाइक है, बहुत लेवल की बाइक है, बड़ी लेवल की लग रही है यार ये बाइक। नहीं आर यू श्योर? काश में इंडिया में मुस्लिम होता। मुस्लिम होते आप? काश में इंडिया में मुस्लिम होता तो बाइक ये लेते हैं आप? बाइक ये लेता। ये पाकिस्तान में तो ऐसी कोई नहीं है मार्केट, आप बताएं इतने में तो नहीं मिल सकती ये बाइक। सर ये जो बाइक है ना, ये है आपकी नेबर कंट्री इंडिया में। ऐसे फजूल है ये, फजूल। हमने अच्छा आज तक हमने क्यों नहीं बनाया? चलो छोड़ दो उनकी बात, हम अपनी बात हमने क्यों नहीं बनाने? क्यों नहीं बनाने? बस वैसे नहीं बनाने। क्या वजह है? हम मेहनत नहीं करना चाहते। क्यों नहीं मेहनत करना? मुल्क तरक्की नहीं करेगा? मुल्क तरक्की नहीं करेगा? मेहनत करने से मुल्क तरक्की करता है। जापान की या इंडिया की? इंडिया की। आप सिलेक्ट करें इंडिया के जापान? यार नई चीज है तो इंडिया की होगी। इंडिया की होगी। जापान अभी पुरानी चीजें दोबारा उसको ना रिन्यू कर रहा है। हाँ। अच्छा कितने की इंडिया ने अपने? पहले पता पाकिस्तान में कोई 1000cc कोई बाइक है इस टाइम? हैवी बाइक 600cc तो मैंने चलाई हुई है, इस ऊपर मैंने देखी भी नहीं है। तो आई नहीं अभी, इंपोर्ट, हम तो इंपोर्ट करते हैं उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैंने चलाई हुई है 600cc। ये हाँ ये इंडिया की है, मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग नाम पर। 1000cc है? कितने की होगी? 1000cc मेरे ख्याल सिविक होती है गाड़ी। हाँ नहीं वो स्विक नहीं होती, वो होती है वैगनर होती है पाकिस्तान में, वैगनर है और कल्टस है, ये 1000cc यानी कि सही है। तो यार फिर होगी तकरीबन ये वाली बाइक 70। कितने की आपने बताया? 70-80 लाख। पाकिस्तानी में बताया कि इंडिया के रुपये में बताया? यार पाकिस्तानी। पाकिस्तानी इंडिया में कितने की होगी? इंडिया में 50 लाख। 70 इतना कंपेयर कि यहाँ पे तो कन्वर्ट हो 3.5 रुपये का तो कन्वर्ट हो गए 1 करोड़ पे पहुँच जाता है, इतनी कह सकते हैं। अच्छा मैं अगर बताऊँ ये इंडिया ने अपनी, पहले बताओ मुझे ये बताएं पाकिस्तान के अंदर अपनी ऐसी बाइक क्यों नहीं आ रही, अपनी हम क्यों नहीं बना रहे? यार अपनी बाइक तो हमने आज तक साइकिल भी चलाई है ना, वो भी चाइना की है, ठीक है ना, तो बाइक का हम कुछ नहीं कह सकते। सर आप चाइना का पुराना मॉडल? सर आप चाइना। हाँ चले मैं बताने जा रहा हूँ, ये इंडिया ने जस्ट अपनी आवाम के लिए 5 लाख रुपए की लॉन्च की। क्या? हाँ 5 लाख रुपए। 1000cc बाइक 5 लाख रुपए की? हाँ हाँ। तुम ना मेरे भाई बहन ले लो, मुझे ये बाइक ला दो जाओ। 4 लाख रुपए की तुम्हारी बाइक, उनका रुपया भी तो बड़ा है। अच्छा ये भी है यार, वैसे कमाल है। तो आपने इतने काश में इंडिया में मुस्लिम होता। मुस्लिम होते आप? काश में इंडिया में मुस्लिम होता तो बाइक ये लेते हैं आप? बाइक ये लेता। मुंह क्यों बनाया? इतनी अच्छी आउट क्लास बाइक है। ठीक है लो क्वालिटी के टायर लगे हुए भाई, इतने आउट क्लास बाइक है, लो क्वालिटी कहाँ से हुई? ये बाइक है किसी थर्ड क्लास मुल्क की लग रही है मुझे यार। इतनी औसम बाइक आपको कैसे थर्ड क्लास किसी लग रही है? बहुत ही घटिया है ये, क्या है इसमें, क्या खास है?
लोकल तो दूसरी सी बाइक है, तुम्हारे यहाँ की तो नहीं हो सकती कम से कम। तुम्हारे मुल्क में अपनी बाइक नहीं है ये, उनके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं हो सकती। हम अपनी हम तो इंपोर्ट करते हैं ना, वो तो इन्होंने तो मैन्युफैक्चरिंग की अपनी खुद बनाई है ना, इतनी घटिया बाइक वही बना सकते हैं, हम क्यों बनाएंगे। कौन से मुल्क की होगी? इंडिया की होगी सबसे। कैसे गैस किया आपने इतनी जल्दी? इसकी लो क्वालिटी की वजह से भाई, ये हमारे पास ऐसी है, हमने ऐसी कोई, चलो हम लो क्वालिटी की हमने कोई ऐसी बाइक नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? बस वैसे दिल नहीं करना। क्या वजह? हम मेहनत नहीं करना चाहते यार। आप मेहनत, आप मुल्क तरक्की कैसे करेगा अगर हम ही हम यूथ ना मेहनत करें? हमारे मुल्क और कैसे तरक्की करें? तो इंडिया के इतने उनकी यूथ इतनी है, आईटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, यूथ ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? वो तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहे हैं वो, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, तरक्की होता है। तो भाई मेरी बात सुन के यूथ जो है ना, मेरी बात सुन के यूथ है, यूथ ही है ना, आगे किसी काम की थोड़ी क्या है, डंगर है वहाँ। और भाई डंगर काम होगा, उन्होंने बाइक लॉन्च किया, आपने क्या किया? क्या ये बाइक थी? ये बाइक थी, आपने कुछ किया? बाइक थी, हाँ बाइक थी, आपने कुछ किया? ये यार मुझे ये बताओ, आपको क्यों नहीं बिलीव होता है इन्होंने इतनी अच्छी आउटस्टैंडिंग बाइक उन्होंने लॉन्च किया है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, हमने तो आज तक अपनी मानना है ना कि आउटस्टैंडिंग है, मेरा मानना थोड़ी है कि वो आउटस्टैंडिंग है, मेरी नज़र में तो वो गार्बेज है, कचरा है। तो आपकी एक जो गाड़ी 1000 cc गाड़ी होती है, उतनी ये भी 1000 cc है, पाकिस्तान के अंदर 1000 cc गाड़ी का क्या रेट है? पाकिस्तान के अंदर होगा कोई 25 लाख तक। 25 लाख तक? अब ये बाइक कितने होंगे? ये भी 1000 cc? ये इंडियन बाइक है, होगी इंडियन करेंसी में कोई 15,000 का। 15,000 की यार को करने वाली बात करो, कोई कितने की अजीब सी बातें करी जा रही है। अब अजीब 15,000 के और भाई क्या तुम लाखों में दोगे यार? मेरी बात 15,000 की कौन सी बाइक है पाकिस्तान के अंदर? ये वाली जो अभी मुझे दिखाई है ये मिलती है पाकिस्तान में? 1000 cc? 1000 cc गाड़ी है भाई, पाकिस्तान में है ही नहीं 1000 cc। 1000 cc? हाँ हाँ, 1000 लगा, 2000 लगा लो, जब है गड्डिया तो। मैं आपको पैसे देता हूँ, आपने 15,000 की बाइक ला दे दो, मुझे 15,000 रुपये दो, 15,000 में ला देता, ला के देनी है ये अभी। मैं 15,000 आपको के सामने, मुझे 15,000 रुपये कैमरे के सामने, मैं अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कर दूँ, मुझे 15,000 की बाइक ला के देनी मिल जाएगी पक्की से बात बना, मैं दुकान ले चलो ले कर, नहीं 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 न्यू बाइक। ये जो टुच्चा मुल्क नहीं है हमारा, हम साया मुल्क, वहाँ से हम ले लेंगे। कैसे लोगे 15,000 रुपये की ले लेंगे? यार आप वो बात करो जो होने वाली बात है, फजूल की वो बात कर रहे हो। ये कैसे फजूल है? ये फजूल, हमने अच्छा आज तक हमने क्यों नहीं बनाया? चलो छोड़ दो उनकी बात, हम अपनी बात, हमने क्यों नहीं बनानी? क्यों नहीं बनानी? बस वैसे नहीं बनानी। क्या वजह है? हम मेहनत नहीं करना चाहते। क्यों नहीं मेहनत करना? मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मेहनत करने से मुल्क तरक्की करता है, मेहनत करने से मुल्क तरक्की करता है। यार जब इंसान मेहनत करा तो किसके लिए करता है? मुल्क के, मुल्क की कितनी मेहनत करता है? मजदूर से ज्यादा कोई मेहनत करता है या खोते से ज्यादा कोई मेहनत करता है? मुल्क के अंदर मेरी बात सुनो, एक मुल्क होता है ना, जब एक मुल्क की यूथ तो काम अच्छा करे तो मुल्क तरक्की करता है। एक मैं आपको बता आगे मैं तो आप फिर बात करना। अब इंडिया के यूथ जो है वो इन चीज़ों पर बहुत फोकस करे, उनके अपने जो यूथ है वो बहुत मेहनत कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क इतना डेवलप हो गया। हमने आज तक हमारी यूथ ऐसी इतनी चीज़ें सोच रही, क्यों इंडियन यूथ को तुम पाकिस्तानी यूथ से कंपेयर कर रहे हो उन डंगरों को जिनकी तालीम ही नहीं है, कोई तालीम भाई इतनी उनकी, ओ भाई इतनी उनको तो आप कंपेयर कर दुनिया में, दुनिया भाई ना, दुनिया में उनकी आईटी दुनिया में चलते और आईटी से लोग, मुझे लगता है सीईओ इनके सबसे बड़े कैब बताओ जो इंडिया की चलती हो। मेरी बात अच्छा सीईओ आपने पता कौन कौन सी है? गूगल का सीईओ कौन है? क्या इंडिया में अगर पैदा हुआ क्या उसकी स्कूलिंग इंडिया में ही थी भाई? कौन सा सीईओ की? चलो वो छोड़ो, उसको छोड़ो आप, अभी जो मौजूदा हालात में अभी हम दे जो IMF के जो जितने भी कर्ज वगैरह दे रहे हैं वो भी एक इंडियन है। आपको सीईओ कौन है तो बाहर का, वहाँ पे सिस्टम कौन बैठा हुआ? एक सिख बैठा हुआ, जो मर्जी बैठ जाए क्या फर्क पड़ता है? इंडिया का, हमारे पाकिस्तान का इंडिया का नहीं है ना? अदारे को छोड़ो आप, इंडियन एक बैठा हुआ वहाँ पे, तो फिर जो जितने भी एग्रीमेंट्स पाकिस्तान को वही करो, उससे क्या हो जाएगा? इंडिया तरक्की कर जाएगा? अच्छा आपने आप यूट्यूब देखते हो? नहीं। गूगल देखते हो? हाँ। गूगल का कौन है सीईओ? पहले जो सुंदर पिचाई था अभी क्या? अभी वही है। चलो होगा, हमारे कोई है? हमारा कोई ऐसा कोई हुआ है? हमारे कोई ऐसे हैं कोई किसी भी मतलब ओवर जितनी भी यूट्यूब का किसी भी चीज़ में आप लोग सोशल मीडिया में कोई हमारा सीईओ बना हुआ? वहाँ का सीईओ लगा हुआ है। सीईओ क्या होता है? नौकर। हम जाके नौकरी शुरू कर दें उनके बाहर वालों की, अंग्रेजों की नौकरी शुरू कर दें। ओ भाई यार जरूरत है, प्रेफर करते हैं भाई, वो प्रेफर करते हैं यार, ये तो करते हैं गुलाम कौन को, आप भी गुलाम ही हैं के लिए प्रेफर किया जाता है गुलाम। आप कोई भी, आपको भी गुलाम बनाया, आपके हुक्मरान ने आपको गुलाम बनाया, हम IMF से गुलाम है, हम गुलाम है, जो आप अमेरिका कहते हैं हम वही करते हैं। क्या किया आज तक हमने अमेरिका कहने